हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज फिजियो हब में आई हूँ। क्या करवाने? फिजियोथेरेपी कराने। अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, मानूर इस टाइम फिजियो हब में आई है, फिजियोथेरेपी अपने करवाने हुए काम कर लिया। बस ये सीपी बाल जो है ना, इसमें हवा नहीं भरी जा रही, बाकी तो फिजियोथेरेपी जो है वो बाकी काम जो है वो अभी आप लोगों की आंखों के सामने डॉक्टर साहब आपको काम जो है फिजियोथेरेपी का सारा करके दिखाएंगी। महानूर को खुशी है कि डॉक्टर अनम नहीं है, आज बचत होगी अभी, लेकिन कोई ना कोई हल ढूंढेंगे आपको रिफ्रेश करने का, कोई ना कोई तरीका ढूंढेंगे आज भी, ठीक है ना। आप इतनी हैप्पी ना हो कि कुछ नहीं होगा, होगा आपका ट्रीटमेंट होगा आज ही अभी, सब लोगों की आंखों के सामने है, ठीक है ना। डॉक्टर आ जाती है, डॉक्टर अनम आप इस बात को छोड़ दें, डॉक्टर वन आएगी ना डॉक्टर साहब? देखा ना, सेशन नहीं रुकेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए अभी होगा आपकी आंखों के सामने। जी गाइस, महानूर आपको खुद आज चेयर पे बैठ के दिखाएगी, ये देख लें, खुद चेयर पे बैठ रही है महानूर। इसने कोई नहीं आगे किए, लेकिन वो नीचे बैठ गई। कोशिश करो महानूर, आज कोशिश करनी खुद बैठना। चलो फिर दोबारा एक पाँव आगे निकालो, पीछे होके चलो बैठो, बैठ के शाबाश चल, बैठना है अब, बैठना है अब। डॉक्टर साहब आप छोड़ दे इसको खुद, हाँ आप निकालिए, उसने पैर आगे निकाली, चलो बैठो डॉक्टर साहब आप छोड़े ना, हाँ गुड, बैठो चलो, आज खुद चेयर पे बैठेगी महानूर, बैठ जाओ शाबाश, बैठ जाओ, नहीं दोबारा थोड़ा पीछे हो, दोबारा इस चेयर पे बैठ के छोड़ना है महानूर ने, इसको क्यों पकड़ रही हो हैं? देखते हैं कितनी बार कोशिश से आई महानूर चेयर पे बैठती, दो बार कर लिए, कहते हैं कि तीसरी बार कोशिश करे तो बंदा जो है ना वो कामयाब हो जाता। चलो जी तीसरी बार कोशिश कर, आओ गुड इस बार बैठ जाएगी महानूर, इस बार बैठ जाएगी, चलो जी इस बार बैठेगी, चलो बैठो पीछे हो, बैठो इधर से छोड़ो, काम हो गई, क्यों नहीं बैठा जा रहा भला, पता क्या है तुम डर रही हो। ये गाइस महानूर आज आप लोगों की आंखों के सामने ना आए, जिसने खुद चेयर पे बैठ के दिखाएगी, जो कोशिश कर रही है महानूर चेयर पे बैठने की खुद ही, आप लोगों की आंखों के सामने महानूर जो है वो आज खुद चेयर पे बैठे कि हम फिजियो हब में आए हुए हैं। ये महानूर यहाँ पे डॉक्टर साहब इसको सिखाया है वर्क, और ये देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा। ओह गॉड, बैठ गई माशाल्लाह। लो जी गाइस, महानूर चेयर पे बैठने के लिए कामयाब हो गई है, ठीक है, अब पीछे होने की कोशिश करेगी, ठीक है, जब ये पीछे होके फुल बैठ जाएगी तो फिर डॉक्टर साहब जो है ना इसका फिजियोथेरेपी की जो है ना वो करेगी, जहाँ जहाँ से करने वाली है, ठीक है। चलें जी डॉक्टर साहब, अब क्या करना है महानूर का? हाँ जी महानूर के अब क्या करना है डॉक्टर साहब, ये देखो जी, ये देखिए, बताओ दोनों जगह पे दर्द हो रही थी, ठीक है, बताओ क्यों दर्द हो रही है, मसल में क्रैम्प पड़ा है, क्यों पड़ा, मसल में क्रैम्प क्यों पड़ा है बताओ, डिसलोकेट कैसे हो गई, मसल डिसलोकेट हो गया गाइस, आप लोगों ने देख लिया। लो जी इसका ट्रीट जो चल रहा है डॉक्टर साहब, अब इसको जहाँ जहाँ से इसका मसल्स खराब है ना, वहाँ से इसको सही करेंगे, ये देख लिया आप लोगों के सामने, हाँ पाँव ये बैठती, पाँव लटका के अभी भी इसने पाँव लटकाए हुए, चलो ये तो माना कि चेयर बड़ी है, ये तो मान लिया ना कि चेयर बड़ी है, ठीक है ना, लेकिन ये फिर भी इसने पाँव अभी भी लटकाए हुए, क्यों लटकाए हुए हैं इसने, इसको पूछे ना डॉक्टर साहब, इसको डांटे, इसकी ज़रा फिजियोथेरेपी थोड़ी सख्त करे ताकि इसको समझ आए, सख्त करे फिजियोथेरेपी हैं, सख्त करे फिजियोथेरेपी क्यों चलना नहीं आपने, पेशेंट भाग जाता, तुम कैसे भागोगे, तुम्हें पकड़ लेगी डॉक्टर, तुम्हें हम भागने ही नहीं देंगे, तुम्हें यहाँ ही हमने पकड़ लेना है, यहाँ भी तुमको पकड़ लेना, तुम्हें भागने नहीं देना किसी ने, हाँ गुड, तुम नहीं भागोगी,
आहिस्ता आहिस्ता ठीक करो, आहिस्ता आहिस्ता ठीक करो, अच्छा चलो शुक्र है। मैं कहूँ तो बोलने वास्ते दो तीन बंदे आने पैने सी के तेन कहें कि महानूर बोल, तू तो फिजियोथेरेपी दे बोलती भी नहीं है, तेरी तो आवाज़ ही नहीं निकलती है, की गल है। ना ना फिर एक दफ़ा टेंशन वाली चीज़ा करो। ये देखो गाइस, अब महानूर की टांगों की जो है ना वो फिजियोथेरेपी हो रही है आप लोगों की आंखों के सामने। टांग देखें गाइस कितनी सीधी हो रही है, ये देखें, ये देखिए डॉक्टर साहब आपको दिखाएगी ये टांग कितनी सीधी हो रही है, ये देखिए, ये चीज़, ये यस। रोना नहीं इधर, ओ रोना नहीं ना, नहीं रोना नहीं, अब नहीं महानूर होती शुरू शुरू नहीं हो रही, डर पक्की बात है। शुरू शुरू में गाइस जब ये हुई थी ना तो महानूर आप लोगों की आंखों के सामने जो है ना वो कितना रोई थी, अब नहीं इसे कुछ होता, अब शेर नहीं बन गया ना महानूर, है ना, अब शेर बन गई है महानूर। चलो देखते हैं कब कहां तक शेर बन गई। फास्ट फूड खाना छोड़ना है कि नहीं बताओ? अब नहीं खाती। पक्की बात है, नहीं खाती फास्ट फूड? नहीं खाती। खाती हो? नहीं खाती। अब खाती हो? वो तो मैंने रमजान में खाया था, बस रमजान में खाया था फास्ट फूड। ये फास्ट फूड से तुम्हारा ना वेट जो है ना वो ज्यादा आ रहा है, उससे तुम्हें ना डिस्टर्ब होगी, तो मुझे भी उठाने में मुश्किल होगी। तेरी मेहरबानी, में माड़ा बंदा हूँ, मैं ना कपा इधर वे, मैं यार माड़ा बंदा हूँ, ठीक है ना, मैं कितनी दफा समझा। चलो ये देखिए आप लोगों की आंखों के सामने, ये देखिए, ये यस यस यस, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऊपर देखो, बैठ गई नीचे, रह गई कम नहीं भाई, रह गई, रह गई जे, रह गई जे, ऊपर खड़ी हो, ऊपर देखो, बस डॉक्टर साहब बस हो गई दिल, इन्हू मैं कहना अज की दिहाड़ी छोड़ दो, एंड हो गया दिल। ये कसमें डॉक्टर साहब इधर देखे, ये दिन ब दिन वो जो वर्क इसने स्टार्ट में किया था ना ये ठीक हो रही थी, अब ये ऊपर ही रह गई, क्या मेडिसिन वगैरह प्रेस्क्राइब करती हूं। इसको ताकत की मेडिसिन की तरफ गौर करें, इसमें कोई एनर्जी है कोई नहीं, तो इसको स्टिंग पिला देते हैं। नहीं नहीं, विटामिन डी की और ये चीजें मैंने नहीं, स्टिंग से चेक कर लेते हैं, उसमें भी कहते हैं कि बंदे में एनर्जी वगैरह आ जाती है, हो सकता है इसमें स्टिंग पीने से एनर्जी आ जाए। ये फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का ही नतीजा है। स्टिंग पिलाए आपको? नहीं, स्टिंग पीने से मैंने सुना एनर्जी आ जाती है। मेरे में नहीं आती। तू मेरे में नहीं आती? मेरे में क्यों नहीं आती? और कुछ खाना पीना जाना कहीं बाहर कोई? इम्पोरियम का तेन बड़ा पता था, फिजियो की नहीं आगे करनी है ये टॉय के पीछे बर्गर मंगवाती है, उसमें एक टॉय निकलता है गाइस, ये इसकी नेक की जो है वो फिजियोथेरेपी आप लोगों की आंखों के सामने गाइस हो रही है, ठीक है, ये देखें, क्योंकि इसकी गर्दन के इसके जो ये वाले पट्ठे ना यहाँ से ये भी सुकड़े पड़े हैं सारे, ये मैं तो हाथ लावा तो फिर दर्द होने लग पी, इन्होंने डॉक्टर साहब ही सीधा कर सके, यहाँ डॉक्टर अनम सिंह मेरे हाथ लावे तो इन्होंने दर्द होने लग पी, वो टिल्ला चढ़ के टोटे दी है तो हूँ बैठ जा, ये देख टिल्ली छड़, ए खुत्ती च लाओ सो डॉक्टर साहब, अगर नहीं सीधी होंगी तो हैं खुत्ती च लाइए एक, नहीं नहीं तो फिर सीधी गर्दन क्यों नहीं तू कर दी हुई है, दस बताओ मारी बात क्यों नहीं मानती तू, बता क्यों नहीं रही, अपर बॉडी तो इसकी बहुत बेहतर हो गई है, लोअर बॉडी का ही मसला है, वो भी टखनों का और घुटनों का, और वो जो है आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगा, क्योंकि इसका आए दिन कोई ना कोई मसल भी क्रैम्प्ड हो जाता है, मतलब जैसे आज भी इसका ये यहाँ से एक मसल और हिप का एक मसल जो था वो दोबारा से स्ट्रेच हुआ हुआ था, इसको इतनी पेन हो रही थी, फिर वो हमने रिलैक्स किया, तो जब इसको मायोपैथी है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, ये
फिजियोथेरेपी करवाती रहती है तो बेहतर रहती है, छोड़ती है दोबारा मसल वही स्टिफ हो जाते हैं, तो हमने काफ़ी ज़्यादा बेहतरी ले आए थे, बीच में थोड़ा गैप आ गया, अब दोबारा से मैं नया जोश और नया जज्बा चाहिए विदाउट फास्ट फूड, पता नहीं अब वो मिलता है कि नहीं मिलता।